प्रकाश पांडे, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म। हमारी राज्य की संस्कृति धरोहर इतनी समृद्ध रहा है कि यहाँ पर भगवान बुद्ध, महावीर, हरि गोविंद सिंह जी महाराज और हमारी धरती ऐतिहासिक, पुरातात्विक और धार्मिक दृष्टिकोण से बड़ी महत्वपूर्ण रही है। देखा जाए तो पिंडदान प्रतिपक्ष के अवसर पर बड़ी संख्याओं में नॉर्थ लोग आते हैं और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी कई ऐसे महत्वपूर्ण शहर हैं। नालंदा विश्वविद्यालय पुराने प्राचीन धरोहर है, उसको भी देखने के लिए कई ऐसे है, रोपवे है। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि पर्यटन के दृष्टिकोण से हमारा राज्य आना है, पर्यटक आ रहे हैं और घूम रहे हैं और सरकार प्रयत्नशील है भी है कि आने वाले पर्यटकों को किसी तरह की असुविधा ना हो, उसके लिए सरकार प्रयत्न हो। गाइड है, पर्यटक स्थलों पर मौजूद रहते हैं, हमारे टूरिस्ट गाइड हैं, जो भी लोग आते हैं उनको, हाँ, टूरिज्म पैकेज है हमारा, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम सुविधाएँ देती है, वो वेबसाइट पर उनका नंबर नोट कर करके और लोग उनसे संपर्क कर सकते हैं। और जैसे पटना ककोलत हो गया, पटना राजगीर हो गया, पटना बोधगया हो गया, इको सर्किट से संबंधित हो गया, मतलब वो सारे पैकेज बना करके उपलब्ध कराते हैं।